जब हम ये इसका विभाजन करते हैं, पेगन कहते हैं और नॉन पेगन सभ्यताएं जो होती हैं, तो बड़े क्लियर कट डिमार्केशंस नहीं हुआ करते हैं। जैसे जो नॉन पेगन सभ्यताएं भी हैं, मान लीजिए क्रिश्चियन जो ट्रेडिशंस हैं, उनमें भी बहुत सारे पेगन तत्व आ जाते हैं, और पेगनिज्म में भी बहुत सारे सेमेटिक जो परंपराएं हैं उनके तत्व आ जाते हैं। तो लेकिन ये समझने के लिए कोटियां हैं। एक जो चीज मुझे महसूस हुई है दोनों में फर्क में, वो है कि जो जिनको हम पेगन प्राइमरली मुख्यतः पेगन कह रहे हैं, अब भारत ये बात बहुत जोर से क्लेम नहीं कर सकता, और ये हमारी सभ्यता का बहुत बड़ा संकट है कि हम अपने खुलेपन को एक तरह के स्टैंडर्डाइजेशन करके उसको संकुचित करने में लगे हैं, और ये हमारा इसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारी परंपराओं का, हमारी समझ का, हमारे लोक व्यवहार का ये होने वाला है और हो रहा है। पेगन जो परंपराएं हैं उनमें मुख्यतः जो मनोधर्म है, इलेबोरेशंस हैं, बढ़त है, उपज है, वो बहुत केंद्रीय होती है, चाहे वो संगीत हो, चाहे नाटक हो। बल्कि मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जो हमारे महाकाव्य भी लिखे गए उनमें बढ़त का जो सिद्धांत है, उपज का जो सिद्धांत है, उसमें स्ट्रक्चरिंग नहीं होती, यानी कोई डेफिनेट बिगनिंग, डेफिनेट मिडल और डेफिनेट एंड। ऐसा आपको इन संगीतों में, यहाँ के महाकाव्यों में, यहाँ की लेखन पद्धतियों में आपको मिलेगा नहीं, प्रमुखतः नहीं मिलेगा। ये खुले हुए रूपाकार हैं, बल्कि इनमें बढ़त होती रहती है। इसलिए हमारे जो महाकाव्य हैं, एपिक्स जो हैं हमारे, उनको आप लगातार लिख रहे होते हैं, वो कभी पूरे नहीं हुए होते। और दूसरा, संगीत में भी ये है कि कोई राग को आप जब गाना शुरू करते हैं, और अक्सर लोग ये अखबारों में भी लिखते हैं, बातचीत में भी कहते हैं कि साहब इस राग का स्ट्रक्चर, राग में स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर के लिए एक परिभाषे शुरुआत, एक परिभाषे मिडल और एक परिभाषे अंत होता है। राग की जो बुनावट है वो ऐसी है कि उसमें ये तीनों चीजें नहीं होती। राग की संभावना गाने की अनंत काल तक है, ये जब गायक की कल्पना की सीमा आ जाती है तो वो बंद कर देता है, वरना आप एक राग को गाए चले जा रहे हैं। और इसका आधार जो मैं समझता हूं वो ये है कि इन सभ्यताओं में जो सत्य है वो ज्ञात रूप में नहीं लिया जाता है, उसमें कलाकार जो है उसको तरह तरह के रस्तों से खोजता है अपनी कलाओं में, और वो खोजने की जो ढंग है उसके अलग अलग, वो रूपाकार लेते हैं, वो रूप बन के सामने आते हैं। और ये जो दो, जबकि यूरोपियन ट्रेडिशंस में खास तौर पर एक तो शुरू में सेमेटिक कल्चर जो थे, हमारे मित्र सुरेश शर्मा जिनका भी देहावसान हुआ, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि वहां कलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई सिद्धांत नहीं। अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है पिछले 200 साल में, लेकिन आप उसमें लंबे समय तक तो कलाएं जो हैं वो एक तरह से जो रिलीजियस सत्य है उसकी व्याख्या, या उसकी व्याख्या से अधिक उसके प्रचार प्रसार के लिए काम में आती थी। यहां वो सत्य, अपना निरपेक्ष सत्य पाने की, जिसका ऑफ कोर्स संबंध बनता है और वो बनेगा जाके, ये आपको पता नहीं है कि वो क्या बनेगा, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने का साधन वो नहीं होता है। इसलिए ये मुख्यतः प्रश्न प्रधान सभ्यताएं हैं। लेकिन ये नहीं है कि जो नॉन पेगन है उसमें प्रश्न नहीं है, वो सारे पेगनिज्म उसमें भी घुस जाता है। आप जैसे पर्शिया की कविताएं देखिए, इंडो पर्शियन राइटिंग जो है वो तो भयानक रूप से प्रश्नवाची है,
गालिब को देख लीजिए, मिर्ज़ा बेदिल को देख लीजिए, मीर को देख लीजिए, उनमें ये बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादा है। असल में हम उसको बिल्कुल क्लियर कट तो मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि उदाहरण के लिए फारस में भी इस्लाम के उपस्थिति के साथ साथ दूसरी परंपराएं भी साथ में चली हैं जिनको साथ में रखा गया है, ये त्यागी नहीं गई है कभी। तो पेगन तत्व वहां इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं कि मनुष्य के भीतर की जो प्रश्नाकुलता है वो दिए हुए जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, वहां भी यहां भी। लेकिन यहां कोई उसके सत्य के को जवाब देने का कोई भी फिक्स्ड मॉडल नहीं रहा है, वहां रहा है जो टूट रहा है। असल में हम ये समझते हैं कि दो आदमी के भीतर मानसिकताएं हैं, टेंडेंसीज हैं, प्रवृत्तियां हैं। एक तो ऑर्डरिंग की प्रवृत्ति है, हर एक में है, वो व्यवस्था करना चाहता है। व्यवस्था करने में एक किस्म की सभ्यताएं जन्म लेती हैं। और दूसरी प्रवृत्ति है जिसको आप डायोनिसियन कह लीजिए, जिसमें वो प्रश्नांकन करता है, व्यवस्था को चुनौती देता है या व्यवस्था को तोड़ने का को थ्रेटन करता रहता है। ये प्रमुखता है जिनको हम पेगन कहते हैं, इसमें बाद की प्रवृत्ति अधिक है। जिनको हम नॉन पेगन कहते हैं उनमें पहली प्रवृत्ति अधिक है। लेकिन दोनों प्रवृत्तियां दोनों सब तरह की सभ्यताओं में आपको मिलेंगी। ये हम तो विभाजन इसलिए करना पड़ता है लिखने के लिए, क्योंकि समझने के लिए मनुष्य को कुछ मॉडल्स बनाना पड़ते हैं। लेकिन मॉडल्स को मॉडल से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, उसको उसमें आप समझ लेते हैं, फिर उसकी सच्चाई जैसे थोड़ी बहुत समझ में आ गई आपको तो वो मॉडल त्याग देना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि जैसे आप विकास, एक तो विकास शब्द जो है वो बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान में, तो ऑर्डरिंग जो है विकास शब्द के सहारे ही हुई है, और हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम विकास क्या कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछिए कि आप भाई विकास को का विस्तार करिए कि ये है क्या शब्द, इससे आप करना क्या चाहते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं कि इसको कोई नहीं बता पाएगा। सबके जो जवाब हैं वो वेग हैं। हम जब कहते हैं साहब विकास हो तो इसका क्या अर्थ है, ये मुझे सचमुच नहीं समझ आया। मोटे तौर पे आप समझ लें अगर, तो विकास का अर्थ ऐसे समाजों में उनको अधिक से अधिक कंट्रोल्ड, नियंत्रित, ऑर्डर्ड, अधिक से अधिक सर्विलेंस सेंटर्ड बनाने से ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया। कि आप उदाहरण के लिए इतना विकास हो रहा है देश का, पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ है, अलावा इसमें सीमेंट के व्यय के और कुछ होता है, मुझे आज तक हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ जो थी ख़त्म हो गई, हमारी जो सांस्कृतिक संस्थाएं उनकी हालत बिगड़ी हुई है और हमेशा से बिगड़ती चली जा रही है, और हम उसकी अवहेलना करते करते इस विकास का गुण गाते रहते हैं, और हमने अधिक से अधिक व्यवस्था करने की का मानस बना रखा है। और जब आप व्यवस्था को केंद्रीय बनाएंगे तो कलाएं जो कि व्यवस्था में हमेशा प्रश्नांकन की तरह प्रवेश करती हैं उनको आपको दरकिनार करना पड़ेगा। उल्टा जो हुआ सेमेटिक में, जो रेनेसा में हुआ, रेनेसा क्या है, रेनेसा में अगर आप इन्हीं टर्म्स में समझना चाहें तो रेनेसा में तो एक तरह से पेगन जो चेतना थी उसका विस्फोट हो गया, कलाएं और साहित्य और दर्शन और सब प्रस्फुटित हुए बड़े स्तर पर, और एक नई तरह का सृजन जिसको हम आधुनिक सृजन कहते हैं वो वहाँ हुआ। और इसलिए उनमें जो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हुई, हालांकि वहाँ भी जो एक बात है वो बहुत जुड़ी रही उनके जीवन से, वो ये कि जब जब भी आप ऑर्डरिंग करते हैं, ऑर्डरिंग से ग्रेस मिलता है, ईश्वर की कृपा ऑर्डरिंग से आती, और जो ईश्वर की जो कृपा हासिल होती है उस ऑर्डरिंग के लिए मॉरल सिस्टम्स चाहिए पड़ते हैं।
और मॉरल सिस्टम जो होते हैं ये ऑर्डरिंग के काम में आया करते हैं। तो आप ऑर्डरिंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं उस ऑर्डरिंग के लिए। लेकिन आप देखें साहित्य में वो चीज भी, स्वयं पश्चिम के साहित्य में वो काफी टूट गई, चित्रकला में बहुत टूट गई। आप सोचिए कि एक क्रिश्चियन यूरोप में न्यूड पेंटिंग्स का होना लगभग असंभव होता। शेक्सपियर का जहां तक मुझे मालूम है, शेक्सपियरियन थिएटर जो था उसमें वाचिक की, स्पोकन का ही प्राधान्य था, क्योंकि आंगिक का की इजाजत बहुत नहीं थी। तो शेक्सपियर सारे आंगिक को वाचिक में सोख लेता था, तो उसके जो डायलॉग्स थे उसमें सारा मूवमेंट ये वो सब आ जाता था साथ में। जबकि आप भास को देखें यहां संस्कृत के, उसमें सिर्फ आपको डायलॉग सुनाई पड़ेंगे क्योंकि वो किसी रंगमंडली के लिए काम करते होंगे, तो आंगिक आदि उनके नाटकों में आपको नहीं मिलेगा, स्वयं ग्रीक नाटकों में नहीं मिलेगा। जो टेक्स्ट मिलते हैं ग्रीक, सोफोक्लीज को देख लीजिए, यूरिपिडीज, उसमें आपको जो डायलॉग्स मिलते हैं उसमें आंगिक की आपको कल्पना करना होती है, क्योंकि वो रंगमंडली के साथ होते थे पहली बात, और आंगिक वगैरह का वहां उसकी छूट थी। तो ये जो फर्क रहा कि रेनेसां में हमारे यहां उल्टी गंगा बह गई हमारी शिक्षा व्यवस्था से, हमारे अनएजुकेशन से, क्योंकि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमको हमारे लिए अजनबी बनाने का काम करता है। और मतलब आप ये मानते हैं, जो पहला बड़ा सम्मेलन हुआ, अंग्रेजों ने के पास कुछ पैसे थे जो उनको शिक्षा पे खर्च करना थे, 1830 की बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको ये पैसे खर्च करने क्या करें, तो कुछ लोगों से सलाह ली गई। तो उसमें राजा राममोहन रॉय जो बहुत बड़े व्यक्ति थे, और हमको किसी भी एक बड़े व्यक्ति का एकांगी विश्लेषण नहीं करना चाहिए, आजकल नेहरू का होता है, ये बिल्कुल भयानक बात है, उनका मल्टी डायमेंशनल होता है आदमी, उसको वैसे ही देखना चाहिए। दूसरा, हम कोई महात्मा बुद्ध तो है नहीं सब लोग कि हम गाली देते फिरें लोगों को, लेकिन अपने राममोहन राय ने बहुत अद्भुत काम भी किए। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था की बात आई तो ये हुआ भाई विज्ञान आदि पढ़ाना चाहिए, और उसमें यह भी था कि न्याय शास्त्र जो लॉजिक है, न्याय का अर्थ लॉजिक से होता है, और व्याकरण भी पढ़ाई जाना चाहिए, उस पर राजा राममोहन रॉय ने मना कर दिया। यानी ये बहुत राय थी कि भाई व्याकरण और न्याय ये तो साइंसेस ही हैं, लॉजिकल सिस्टम है, वो एनालिटिकल सिस्टम है न्याय को। आप आश्चर्य करेंगे कि तिब्बत में बुद्धिज्म की शिक्षा जिन मठों में दी जाती है उसमें सबसे पहले न्याय पढ़ाया जाता है। क्यों? न्याय इसलिए, मैंने पूछा उनसे, रिनपोचे जी से, कि क्यों पढ़ाते हैं न्याय, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो मूर्तियां भी बुद्ध की बनी हैं उनमें नाप होता है, वो लॉजिकल हैं, लॉजिकल के रास्ते आप बियॉन्ड लॉजिक उसके ट्रांसेंडेंस करते हैं, तो उसको त्यागा नहीं जाता। यहां जब साइंस जब हमारे यहां पढ़ाई शुरू हुई तो ना व्याकरण पढ़ाई जाती थी ना न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता था, ये दोनों छोड़ दिए। तो न्याय के सहारे हम अपनी दूसरी दार्शनिक परंपराओं तक पहुंच सकते, वो संभावना हमारी खत्म हो गई। इसलिए हम अपने को बेहतर, इसलिए चूंकि हम अपने को समझे नहीं, इसलिए हमारी तरफ से समझाने वाले दूसरे पैदा हो गए, और अब वो जो बताते हैं आपकी परंपरा के बारे में आपसे, आपको मानना पड़ता है। तो एक बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोगों का, मतलब भारतीय सभ्यता वो उनके अंधों का हाथी हो गया है। तो किसी भी चीज को लेके हम कुछ भी बातें करने लगे, मतलब अनुष्ठान आदि में भी न्याय का स्थान होता था, वो कैसे बनेगी वेदी, कितनी चौड़ी, क्या, क्योंकि फिर उसके सहारे आप उससे परे जाते थे। ये बात धीरे धीरे भारत में, क्योंकि हम जो चीज लोक व्यवहार में थी वो हमारी समझ में आना बंद हो गई, उसका तिरस्कार शुरू हुआ, और हम मॉडर्न साइंस को इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि वो हमारी भाषाओं में वो सीख सकने की सामर्थ्य हमारी उतनी थी नहीं। तो हम फिर अंग्रेजीकरण हमारा बहुत हुआ तेजी से, और हमारे यहाँ चक्र उल्टा चल गया,
शिक्षा के कारण अन्य बहुत सारी हमारी जो तथाकथित विकास हो रहा है, हमारा मास मीडिया वगैरह, एजुकेशन जो जो यूनिवर्सिटीज़ का खास तौर पर एजुकेशन है, ये आखिरी एक उसमें किस्सा मैं सुनाता हूँ आपके सवाल में कि रॉय बर्मन जब विटगेंस्टाइन के पास गए अपनी पीएचडी के लिए, विटगेंस्टाइन मेजर फिगर हैं, तो जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा भाई तुम किस परंपरा से आते हो? तो आधुनिक दार्शनिक थे, विटगेंस्टाइन को पढ़ते थे, हीगल को पढ़ा होगा, तो ये थोड़ा रुक कहे तो कहले नहीं तुम मतलब किस उससे बचपन में कहाँ बीता? तो उन्होंने कहा हम जैन हैं, जैन परंपरा के। तो उनका जैन की जैनिज्म के बारे में बताओ मुझे। और उनको ये पता था कि मृत्यु के बाद लोग किसी बड़ी सी शिला पे इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ बहुत ही विद्वान लोग या जो बोधिसत्व कह लीजिए उस किस्म के, और इंतजार करते हैं। इतना एक दो लाइन विटगेंस्टाइन को पता थी, कहले इसको जरा बताओ। इनको कुछ नहीं पता था, इनको वो भी नहीं पता था जो विटगेंस्टाइन को पता था। तो उन्होंने कहा नहीं पहले तुम वो पढ़ो और फिर आना। और ये बहुत बड़ा दार्शनिक है, ये साधारण दार्शनिक नहीं है जो रॉय बर्मन है, ये अच्छे सोचने वाले। लेकिन इनकी शिक्षा वैसी, हम फिलॉसफी में एक्सेल करते हैं, बड़ा काम कुछ करते हैं, ये उसके लिए हम, और अब ये और मुश्किल हो गया है क्योंकि इसका जरा सा कुछ आप करिए तो आप बड़े विद्वान हैं। हमारे वो जानने वाले हैं, मित्र तो नहीं कहना चाहिए, मैं बनारस गया कुछ दिन पहले, काशी विश्वविद्यालय में गया, तो एक संस्था के, बड़ी सी संस्था के कार्यकर्ता रहे हैं जो फिर वहाँ से निकाले गए, फिर अब वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं। तो उनके लिए, उनका जब परिचय हो रहा था तो उनके बारे में कहा गया कि ये तो काशी विद्वान परंपरा के रत्न है। तो मैं स्टेज पे था, मैंने उनसे धीरे से पूछा कि आपने दर्शन की किस परंपरा में काम किया है? न्याय में किया है, वैशेषिक में किया है, बौद्ध परंपरा के हैं आप, शैव, कश्मीरी शैविज्म के हैं, काहे के हैं? कहले नहीं इसमें तो किसी के नहीं है। तो मैंने कहा आप तो काशी के रत्न हैं, तो रत्न कैसे हो गए आप? इसी तरह एक और उन्हीं राजनीतिक दल के एक, हम भोपाल में उनका अभिनंदन हो रहा था और कहा जा रहा था ये बड़े भारी विद्वान है, तो उनसे भी हमने यही पूछा भाई आप काहे के विद्वान हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम संगठक हैं। तो उन्होंने कहा आप संगठक हैं ना भाई, फॉर गॉड सेक, आप चिंतक कहां से हो गए? तो कहने कि नहीं ये लोग तो यूं ही कह रहे हैं। मैंने कहा मना करिए भाई, आप अगर राजीव रंजन मुझसे अचानक कहेंगे कि ये बहुत ही बड़े जैव वैज्ञानिक हैं क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो मैं पहले तो मना करूंगा कि नहीं मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बड़े जैव वैज्ञानिक क्या हैं। काशी में आप रहते हैं तो आप इतने बड़े विद्वान भी नहीं हो पाए कि आप अपने को विद्वान न मान सके, तो आपकी मूर्खता का तो मतलब जवाब नहीं है। इतनी समझ तो आप में छोटी सी होना चाहिए थी। लेकिन अब मैं ये सोचता हूं कि इस देश में विद्वत्ता की संभावना हर बीतते दिन के साथ कम हो रही है दुर्भाग्य से, खासतौर पर अपनी परंपरा में। और इससे ज्यादा दुखी करने वाली बात कम से कम मुझे कुछ नहीं लगती, क्योंकि इसको बांधे हुए देश को, हमारी सभ्यता संस्कृति को, ये परंपरा ही है। आज सोचिए हिंदी के बड़े विद्वान वागी शुक्ल हैं, उनको कितने लोग जानते हैं, पढ़ते हैं नियम से? नवज्योति सिंह ग्रेट फिलोसोफर 59 साल की उम्र में 2.5 साल पहले मर गए। वैशेषिक दर्शन पे उस आदमी ने मूलभूत काम किया। वो आईआईटी का बीटेक था कानपुर की, जब वो श्रेष्ठ थी आईआईटी, एमटेक था वो आदमी वहां से। उसकी एक किताब छपी है उनके जीते जी, वो भी हमारी उनसे एक लंबी बातचीत की एक किताब है। और हम जो उनसे उनकी मृत्यु के 10 साल पहले, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मिले और सिर्फ उनकी एक किताब छपी। और हम परंपराएं, हम गुण गा रहे हैं भारत की, पर कहां है भाई वो? मतलब जिन्हें नाज है भारत पर,
जी लेकिन कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं और उनकी उपलब्धियां बड़ी हैं, देखिए छोटी नहीं है, जो ये नहीं मानते हम। इसलिए हम किसी एक ट्रूथ को अगर मानेंगे तो इतनी सारी मनुष्यता की अवहेलना करनी होगी जो मुझसे होगी नहीं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। आप कालिदास का मेघदूत पर वासुदेव शरण जी उपाध्याय जी की एक बड़ी अच्छी टीका है। एक तो उन्होंने पूरा मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया और 120 पेज की टीका लिखी उस पर, और उसमें उन्होंने पूरे मेघदूत को का शैव दर्शन से कैसे गहरा संबंध है ये दिखाया। लेकिन वो तब भी शैव दर्शन की अपनी व्याख्या है कालिदास में जी, कि वो शैव दर्शन को इस तरह कालिदास देखते हैं। और ये पूरी एक लंबी सी उन्होंने उसकी भूमिका में ये दर्शाने की कोशिश की। तो ये अगर वासुदेव शरण अग्रवाल को थोड़ी सी देर ध्यान में रख लें तो एक तरह से इनका एक संवाद है उसमें, स्वयं कालिदास के अंदर घट रहा है। तो ये ऐसा झगड़ा आपको यहां मुश्किल से मिलेगा। ये बढ़ा धीरे धीरे तब जब ये दर्शन दार्शनिक व्यवस्थाएं आइडियोलॉजी में बदल जाती है। और देखिए आइडियोलॉजी की तो आलोचना स्वयं मार्क्स ने की थी, जिनकी आइडियोलॉजी आगे चल के सबसे लोकप्रिय हो गई, क्योंकि वो फॉल्स कॉन्शियसनेस कहता था उनको, उसको रिजिड हो जाती थी बंद। बल्कि मैं तो ये तक कहूंगा कि अहिंसा भी जब आइडियोलॉजी में बदल जाती है तब वो घातक हो जाती है। अहिंसा जब सहज व्यवहार में है, हम तो यही समझते हैं कि मनुष्य सहज स्वभाव उसका अहिंसक है और हिंसा आरोपण होती है उस पर। लेकिन आप अहिंसा को इस हद तक ले जाएं, और बहुत सारे गांधीवादियों ने ये किया है कि मतलब अहिंसा का अर्थ उन्होंने यहां तक लगा लिया कि भाई कपड़े पे रंग लगाना भी उस सफेद कपड़े के साथ हिंसा है। ये तो मतलब ये तो आइडियोलॉजी बनाना है। कपड़ा काटना भी। और आप देखिए, मैं एक बार साबरमती आश्रम में हमारे दोस्त होते थे त्रिदीप सुहृत, तो हमारी किडनी फेल हो रही थी तो हम दिखाने गए थे नड़ियाद, बड़े भारी एक डॉक्टर थे नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ। तो अहमदाबाद तक पहुँचे, फिर वहाँ से जाना था गाड़ी में, तो हम एक दिन गेस्ट हाउस में रुक गए। इतना मेला, इतना कलरलेस, मैं सोच ही नहीं सकता। और जब जब भी मैंने गांधी को पढ़ा है मुझे वो कभी कलरलेस नहीं जान पड़ी, क्योंकि गांधी सौभाग्य से गांधीवादी नहीं थे, उन्होंने खुद कहा भी था, ये उन्होंने कहा भी था जी, वो हमेशा वाद का भी। और आप देखिए गांधी पे इस तरह के बहुत आरोप आजकल लग रहे हैं, अफ्रीका में तो बहुत लगे कि भाई वो तो रेसिस्ट थे गांधी। शुरू में वो सचमुच उनके मन में ये ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए समानता नहीं थी जी। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया आगे चल के, ये जब अछूत उद्धार पे वो पूरे देश में घूम रहे हैं जिस वक्त, उस वक्त तक उनको समझ में आ गया कि ये बड़ी समस्या है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन स्थगित कर दिया, तो समझते समझते देर लगती है, मतलब एक बार में उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब ये तो उनकी गलती नहीं मान सकते ना, वो जितना कर रहे, जैसे जैसे जीते गए वो समझते गए। आप देखिए जैसे जैसे गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है उनके अंदर का अथॉरिटेरियनिज्म कम हुआ है, जबकि आप आम तौर पर नायकों में ठीक उल्टा पाते हैं कि जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, यानी जैसे लोक में उनका नाम फैलता है, वो शक्ति को अपने में वो कर लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं। यानी नाम फैल रहा होता है, वो शक्ति को संकेंद्रित करना एक साथ चल रहा, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है रास्ता और एक सेंट्रीपिटल होता है। गांधी जी में नहीं हुआ है, और उन्होंने स्वीकारा कि मैंने पहले जो मेरी समझ नहीं थी, उन्होंने कभी नहीं कहा जिंदगी भर। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस का ये, इसी तरह जब आप दर्शन को खुले रूप में लेते हैं और उससे चैलेंज महसूस करते हैं। मैं उदाहरण बताता हूँ, वैशेषिक दर्शन के हिसाब से नवज्योति ने, और न्याय के हिसाब से एक पी के मुखोपाध्याय हैं, बड़े भारी दार्शनिक हैं,
बनारस में रहते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाते रहे, लेकिन जिंदगी भर उन्होंने न्याय पर ही काम किया। उन्होंने कला का सिद्धांत अपनी तरह से बनाया, कला को समझने की कोशिश उसमें दोनों ने की। इसमें टकराव ही नहीं हुआ, टकराव तो नहीं हुआ, उन्होंने दर्शन को अपने वैशेषिक को और न्याय को इनके अर्थ उन्होंने समृद्ध किया कला के सिद्धांत, और बल्कि नवज्योति जैसे लोग या अनेक दार्शनिक वो कला को समझने के अपने उपक्रम को बड़ी चुनौती मानते थे। लेकिन जब भी कोई विचार परंपरा आइडियोलॉजिकल यानी फिक्स्ड हो जाती है, जड़ीभूत हो जाती है, तब वो अपने को डिफेंड करने लगती है, वो समझ के सहारे बढ़ती नहीं। और ये एक जिसको आप कह रहे हैं दर्शन और कला की जो झगड़ा है, वो जब तक विचार आइडियोलॉजी होने से बचा होता है तब तक नहीं होता है।